तो भाई लोग वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका हमारी एक और नई इंटरेस्टिंग फ़ोटो एडिटिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको होली स्पेशल फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल तरीके से होली वाला फ़ोटो एडिट करना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना भूलें, ताकि जब भी हम कोई ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाएँ उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। भाई लोग, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ऐप ओपन करना होगा। अगर आपने पिक्सआर्ट ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए पिक्सआर्ट ऐप। तो पिक्सआर्ट ऐप ओपन करता हूं फ्रेंड्स, चलते हैं पिक्सआर्ट ऐप की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जैसे पिक्सआर्ट ऐप ओपन होगा फ्रेंड्स, तो यहां प्लस वाला आइकन जो आपको दिखेगा इस पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ऑल फोटोज ऑल वीडियो आपकी आ जाएंगी। तो ऑल फोटो पे क्लिक करके आपको होली वाला एक बैकग्राउंड लेना है फ्रेंड्स, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं वो ले लेता हूं फ्रेंड्स। तो ये रहा वो बैकग्राउंड, इसके बाद इस बैकग्राउंड को ले रहा हूं। उसके बाद यहां इफेक्ट पे क्लिक करता हूं। इफेक्ट पे आपको क्लिक करके फ्रेंड्स इसको ब्लर पे लेना है फ्रेंड्स। यहां देखिए ब्लर, ब्लर पे क्लिक कीजिए। इसके बाद एक बार और क्लिक कीजिए। उसके बाद इसका फेड 30 या 35 कर दीजिए। उसके बाद ब्लर को 7 या 8 कर दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद डन कर दीजिए। उसके बाद डन करने के बाद आपको ऐड फोटो पे जाना है। उसके बाद आप अपना इरेज किया हुआ फ़ोटो ले लीजिए फ्रेंड्स, इरेज किया हुआ फ़ोटो। अगर आपको फ़ोटो इरेज करना नहीं आता तो आई बटन में वीडियो दे दूंगा फ्रेंड्स, वहां से वो वीडियो देख के आप फ़ोटो इरेज कर लीजिए। तो मैं अपना फ़ोटो ले रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए मैं ये अपना इरेज किया हुआ फ़ोटो ले रहा हूँ। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए वो मेरा फ़ोटो आ गया। इस फ़ोटो को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ फ्रेंड्स। जूम करके आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सेट हो गया मेरा फ़ोटो, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको डन करना है। डन करने के बाद आपको ऐड फ़ोटो पे फिर से क्लिक करना है। ऐड फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपको होली PNG लेना है फ्रेंड्स। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए होली PNG का भी लिंक। तो ये वाला PNG आपको लेना है, उसके बाद ऐड कर देना है। उसके बाद देखिए इसको जूम करके नीचे ले आना है फ्रेंड्स। उसके बाद ऐड फ़ोटो पे फिर से क्लिक करना है आपको, और इस बार आपको ये वाला PNG लेना है फ्रेंड्स। इस PNG को आप 2 बार 3 बार मैं ले रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि बार बार ना लेना पड़े। तो देखिए मैं इस PNG को ले रहा हूँ यहाँ पर। तो इसे यहाँ लगा देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ इरेजर पे क्लिक करके इसको इरेज कर लेता हूँ, जो एक्स्ट्रा फाइल रहा है फ्रेंड्स उसको इरेज कर लेता हूँ, ताकि रियल लगे। देखिए इतना इरेज, ज़्यादा इरेज हो गया फ्रेंड्स। इरेज कर लीजिए अच्छे से आप। देखिए इतना इरेज हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद आपको ये फिर से वही, इसको बाद डन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ फ्रेंड्स, इरेज पे क्लिक करके इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद डन कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला आ जा रहा है यार फ्रेंड्स। उसके बाद ये वाला ले लेता हूँ, इसको रहने दीजिए। फ्रेंड्स आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका ऑल फोटो ऑल वीडियो जा जाएगा। तो आप ऑल फोटो पे क्लिक करके आपको होली वाला बैकग्राउंड ले लेना है फ्रेंड्स। तो होली वाले बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं ले लिया। इसके बाद बैकग्राउंड के इस इफेक्ट पर क्लिक कीजिए। इफेक्ट पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ ब्लर का ऑप्शन आएगा, तो ब्लर आपको करना है। तो ब्लर पर ले लीजिए। उसके बाद एक बार क्लिक करके फेड को 30 कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद ब्लर को 7 या 8 कर लीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए। उसके बाद आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ऐड फोटो पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। ऐड फोटो पे क्लिक करके आप अपना अपने मॉडल का इरेज किया हुआ फ़ोटो ले लीजिए। तो मैंने पहले से इरेज करके रखा है। अगर आपको इरेज करना नहीं आता फ़ोटो, तो आई बटन में वीडियो, वहाँ से आप वीडियो देख के फ़ोटो इरेज कर लीजिए। उसके बाद मैं अपना वीडियो ले रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आपको फ़ोटो ले लेना है। उसके बाद फ़ोटो को जूम करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। देखिए मैंने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ ऐड फ़ोटो पे फिर से एक बार आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको
होली PNG लेना है फ्रेंड्स, तो PNG का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं ये वाला PNG ले रहा हूँ। इस PNG को थोड़ा जूम करके फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। देखिए सेट हो गया। उसके बाद फिर से आपको एड फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको और एक PNG लेना है फ्रेंड्स। तो इस बार मैं ये वाला PNG ले लूँगा गालों पे लगाने के लिए फ्रेंड्स। तो इस PNG को यहाँ लेके फ्रेंड्स देखिए, उसके बाद यहाँ लेके आपको इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है। इरेजर के ऑप्शन पे क्लिक करके जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसको इरेज कर दीजिए फ्रेंड्स। इसको इरेज करने के बाद डन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आपको जो जाना है ब्लेंड में जाके यहाँ आपको मल्टीपल कर देना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद डन कर दीजिए। उसके बाद फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से यही PNG लेना है। फ्रेंड्स इसी PNG को ले लेना है फ्रेंड्स आपको। उसके बाद ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ हाथों में लगाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए हाथों में लग गया। इसका स्क्रीन थोड़ा डाउन कर देता हूँ। उसके बाद इसे भी ब्लेंडिंग में जाके फ्रेंड्स ब्लेंड में जाके मल्टीपल कर देता हूँ। उसके बाद डन कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ऐड फोटो पे क्लिक करना है फ्रेंड्स आपको। उसके बाद आपको एक दूसरा PNG लेना है। तो इस बार फ्रेंड्स मैं ये वाला PNG ले रहा हूँ। इसको जूम कर लेता हूँ फ्रेंड्स। पूरे फोटो में जूम कर लीजिए। उसके बाद ब्लेंड में जाके स्क्रीन कर दीजिए। उसके बाद इसे डन कर दीजिए। उसके बाद फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ऐड फोटो पे क्लिक करके आपको ये वाला PNG लेना है। ये वाला PNG लेके ऐड कर देना है फ्रेंड्स। देखिए ये वाला PNG मेरा आ गया। तो इसको जूम करके आप अपने हिसाब से फ़ोटो में लगा लीजिए। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। उसके बाद अभी देखिए फ्रेंड्स मेरा सही से जूम नहीं हुआ है। उसके बाद इसे ब्लेंड में जाना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ मल्टीपल कर देना है। उसके बाद डन कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से ये होली वाला PNG लेना है। ये देखिए ये वाला, इसको फ्रेंड्स यहाँ पे लगा दीजिए फ्रेंड्स। जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से फ़ोटो एडिट करना। उसके बाद डन कर दीजिए। उसके बाद फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ऐड फोटो पे आपको क्लिक करके फ्रेंड्स आपको एक PNG लेना है, दूसरा दिखा दे रहा हूँ आपको, ये वाला PNG ले लेना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करके इसको यहाँ से अच्छे से लगा लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद इसको पूरा फैला दीजिए। उसके बाद इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करके जहाँ जहाँ आपको इरेज करना है वहाँ वहाँ इरेज कर दीजिए। ऐसे ऐसे इरेज कर लीजिए फ्रेंड्स। इरेज करके फ्रेंड्स उसके बाद डन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ ब्लेंडिंग में जाके फ्रेंड्स ब्लेंड में जाके इसको स्क्रीन कर देना। तो फ्रेंड्स आपका ये फोटो एडिट हो गया फ्रेंड्स। देखिए इसको गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ जो तीर का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको गैलरी और फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ आपको सेंड करना है वहाँ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं गैलरी में ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए गैलरी में सेव हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।